हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है, खाना पीना हो चुका है, तो टाइम मिलता नहीं है मुझे, तो इसलिए अब मैंने सोचा, डेली ये लोग बोलते हैं लड्डू बनाओ लड्डू बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है। तो ग्रोसरी का सामान भी एक दिन पहले लेके आए थे, तो अभी चलते हैं, आज लड्डू बना ही देते हैं। इनकी भी ड्यूटी है, अभी चले गए हैं, बच्चे अभी पढ़ेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, 10 बजे तक 1 घंटे बन जाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो सामान लेके आए हैं, क्या क्या लाए हैं चलो आपको दिखाते हैं। तो गैस देखिए, ये 50 ग्राम बादाम है और ये कद्दू के बीज हैं, ये बहुत हेल्दी होते हैं और कमर वगैरह के लिए भी बहुत फ़ायदा करते हैं, और किसी ने मुझे रेकमेंड भी किया क्योंकि मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है इसमें, तो ये भी है। और किशमिश है, और ये देखिए ये है गोंद, तो इसको हम फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगी, फिर इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। ये मखाने हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम से भी कम है, और काजू है ये 100 ग्राम, और ये है 1 केजी बेसन और 1 केजी चीनी। 1 केजी बेसन तो नहीं डालेंगे क्योंकि बेसन में डबल चीज़ लगती है, अगर अभी 1 केजी डालेंगे तो 2 नहीं तो 1.5 केजी तो चीनी चाहिए, इसलिए 0.5 केजी से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे बेसन। और खसखस भी है, वो हम दिखाना भूल गए, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये है खसखस बारीक दाने वाली, ये भी कमर के लिए बहुत फायदा करती है। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और बनाते हैं लड्डू। गाइस देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस की फ्लेम भी ऑन कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे घी, देसी घी, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब बनाने को तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, मगर लड्डुओं का जो टेस्ट देसी घी में आता है वो और किसी में नहीं आ सकता। तो गाइस घी हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम डालते हैं इसमें भून भूनने के लिए और इसको अच्छे से पका लेते हैं, और जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी तब इसको पीसेंगे, तब इसका क्रिस्प जो मतलब फूली हुई होगी जितनी उतनी पिस जाएगी, बाकी जो बच जाएगा फिर उसको दोबारा भूनना पड़ेगा, इसलिए इसको पहले भून रहे हैं, उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट भूनेंगे, क्योंकि जब तक ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे तब तक ये ठंडी हो जाएगी। हाँ, तो देखिए अभी और भी डालेंगे, काफ़ी बड़ा पैकेट है, कम से कम आधा तो डालेंगे ही। देखिए गूंद हमारी भुन चुकी है, अब हम डालेंगे इसमें बादाम, और साथ में डाल देते हैं कद्दू के बीज भी। तो देखिए हम इनको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं, ब्राउन होने तक, इनका कलर चेंज हो जाएगा सब तक। तो ये देखिए हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं कद्दू के बीज और बादाम भी, तो खुशबू भी आने लगी है भुनी हुई सी, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम काजू को भी भून लेते हैं, तो मैंने 1/2 पैकेट काजू भी डाल दिया है, और इसको भी हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं घी में बढ़िया से। तो देखिए हमारे काजू भी एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। तो साथ में हम खसखस और मखाने एक साथ डाल देंगे, जिससे क्या है हमारा खसखस जलेगा भी नहीं और साथ में मखाने भी भुन जाएंगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। अब इनको हम अच्छे, तो गाइस ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून लिए हैं और इनको रख दिया है साइड में। अब मैंने डाला है कढ़ाई में घी, अब डालते हैं इसमें बेसन, तो अभी हम डालेंगे 1/2 बेसन डाल देते हैं, 1/2 से थोड़ा ज़्यादा ही डाल देंगे, और इसको फिर धीमे धीमे भून लेंगे। तो देखिए बेसन हमारा थोड़ा बहुत भुन गया, हल्का ब्राउन हो गया है, अभी इसको एकदम गोल्डन ब्राउन करना है, तब तक इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं ना, मेरा जो बेसन है अच्छी तरह से भुन चुका है, इसकी पहचान ये है, जो हम घी डालते हैं ना तो बेसन हार्ड रहता है, भुनता नहीं है, जब अच्छी तरह से वो घी छोड़ देता है तो सॉफ्ट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो और इसको 1-2 मिनट इसी तरह से चलाएंगे,
फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए फाइनली हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब ये ड्राई फ्रूट हैं जो मैंने भून के रखे थे, अब इनको भी पीस लेते हैं मिक्सी के जार में। तो देखिए हम जार में मखाने, बादाम, काजू सारे मिक्स हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीस लेते हैं। गाइस देखिए मेरा बेसन भुन भी चुका था और मैंने इधर फैन के नीचे रख दिया था, तो ठंडा हो गया है, आधा आधा करके रख दिया था दोनों में, क्योंकि एक साथ रहता तो गर्म रहता। तो अभी इसमें हम चीनी ऐड कर, ये मैं मार्केट से बूरा लेके आई थी। अब डालेंगे ये ड्राई फ्रूट पिसे हुए, फिर इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी इनको डालते हैं। ड्राई फ्रूट काफी ज्यादा है, जितना यूज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बना देंगे। तो देखिए हमारे ये लड्डू है ना बन चुके हैं, आधे बना दिए मैंने। अब मैं दिखा रही हूँ दूसरे पार्ट का, जब मैं बना रही थी इस तरीके से, मैं एक ही हाथ से बना रही। आप चाहें तो दोनों हाथ का यूज़ कर सकते हैं, मुझे एक ही हाथ से कंफर्टेबल लग रहा, तो मैं इसी तरह से सारे लड्डू बना के रेडी कर लेती हूँ। देखिए हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं लड्डू के और खाने में बहुत टेस्टी हैं, क्योंकि आरा पीयू ने खा के चेक कर लिए हैं। तो पीयू को मालूम है कैसा है पीयू टेस्ट? बहुत टेस्टी। आपको अभी पता नहीं है, अभी तो पीयू बोल रही है इतने सारे, अभी दो दिन बाद देखना ये अपने आप जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो गाइस लड्डू की रेसिपी आप ज़रूर देखना और घर पे ट्राई करना, और अगर आपको आज का ये लड्डू का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।